अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, हर से होंगे, ठीक वाले अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम रात का टाइम है, यहाँ पर सारी चल पाए वाला लगी है, यहाँ पर रात का खाना इस टाइम भारत आया जाता है। और ले लो नहीं मना करते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं बिलाल भाई को ले लें। बिलाल भाई शोर मार रहे हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर रात का खाना लग रहा है हमारा। और यहाँ पर ये चिकन वाले हैं, पराठे ये कीमे वाले पराठे हैं, और सलाद ये रायता वगैरह, ये घर का रायता बना हुआ। यहाँ पर चार गोश्त, घर की सादी रोटियाँ हैं। चलें जी, इससे हमारा खाने का टाइम हो चुका है। सबकाबाद के मशहूर और लजीज पराठे हैं, जैसे हमने खाए थे। सब कुछ जुबेदा ने बनाया है, जुबेदा बोल रही है। चलें जी, हमने आज का खाना जुबेदा के नाम कर दिया, फिर सारा खाना जुबेदा ने बनाया है। चलें जी, रात का खाने का टाइम हो चुका है। इस तरह सारे बैठ के इस तरह चल पाएगा, खाना खाते हैं, और हम लोग भी खाना खाते हैं। सारे बच्चे फिर आने वाले हैं। और यहाँ पर ये चिकन वाले हैं, पराठे ये कीमे वाले पराठे हैं, और सलाद ये रायता वगैरह, ये घर का रायता बना हुआ। यहाँ पर चार गोश्त, घर की सादी रोटियाँ हैं। चलें जी, इससे हमारा खाने का टाइम हो चुका है। सबकाबाद के मशहूर और लजीज पराठे हैं, जैसे हमने खाए थे। सब कुछ जुबेदा ने बनाया है, जुबेदा बोल रही है। चलें जी, हमने आज का खाना जुबेदा के नाम कर दिया, फिर सारा खाना जुबेदा ने बनाया है। चलें जी, रात का खाने का टाइम हो चुका है। इस तरह सारे बैठ के इस तरह चल पाएगा, खाना खाते हैं, और हम लोग भी खाना खाते हैं। सारे बच्चे फिर आने वाले हैं। ओके, वैसे हम लोगों ने यहाँ पर खाना शुरू कर दिया। ये सादकाबाद के मशहूर और लजीज पराठे हैं। पराठों की तो क्या ही बात है। जान जान पापा जान की गोद में बैठे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। और रात हम लोग डिनर वगैरह के बाद वॉक करने के लिए चले गए, तो यहाँ पर देख सकते हैं अजान चानू। यहाँ पर ये कहाँ घुसे हुए हैं, बस यहाँ छोटी छोटी अलमारी बनी है, इसमें घुसते रहे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और यहाँ पर छोटे से जो है, इसमें बहुत मुझे तंग किया हुआ है। ओके, वैसलम हम लोग जा रहे हैं बाहर। और यह देखिए अजान चानू हर चीज़ में घुस जाते हैं, हर चीज़ में। यहाँ पर मैंने लोगों ने अपनी गुंडागर्दी बनाई हुई है। चलें, इस टाइम हम लोग जा रहे हैं बाहर। देखते हैं इस टाइम कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं अपने चटके घर, दावत उनके घर, और इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने बड़े रिश्तेदार के घर खाना पी कर। ओके, इस टाइम हम लोग जा रहे हैं बाहर, और उनका देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। ये पूरा बाग वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर भी आम सारे कर चुके हैं, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। ओके, बस यहाँ देख सकते हैं हम लोग खेल रहे थे लूडो। अजान चानू यहाँ पर आ गए, उन्होंने पूरा हमारा गेम आउट कर दिया, मज़े से बैठे हैं। और अजान चानू के जूते पहनने का स्टाइल भी आप चेक करें। अजान ये कैसे अपने जूते पहने हुए हैं, अजान किस तरह जूते पहने हैं। अजान चले जी, अजान की मम्मा ने खेल लिया लूडो। ओके एवरीवन, ये बन रहा है कंबाइंड ब्लॉक। मैंने अपना अभी तक ब्लॉक कंप्लीट नहीं किया, देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ और बहुत शदीद वाली हो रही है। और मौसम भी अभी बना हुआ है, लगता है यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ पर बादल बनते थे, यहाँ पर बोलते जोड़ बना, इस तरह कुछ अल्फाज बोलते हैं। मोहम्मद अजान कभी इतने फ्रेश नहीं करवाए, इसलिए नहीं चलते हैं किचन में। आज क्या बन रहा है किचन में दिखाते हैं। ओके बस हम लोग आ चुके हैं किचन में। किचन में आज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर पंजाब में इस तरह के बनते हैं दही बड़े। ये इस तरह के पहले फुल्कियाँ लेके पानी में भिगो देते हैं, अभी भी पानी में डाली है फुल्कियाँ। और यहाँ पर बन रहे हैं आज दही बड़े, और साथ में इसका प्याज कटा हुआ यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर भिगार का मसाला भी मैंने रखा हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर चने बॉयल हो रहे हैं। चने अभी बॉयल नहीं हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं, जैसे बन जाता है। और यहाँ पर नींबू कट करके रखा हुआ, यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो चलें जी, अभी यहाँ पर होता है कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं आज बन रहे पंजाब के स्पेशल दही बड़े। मोहम्मद अजान के काम चेक करेंगे। पापा जाने ने मोहम्मद अजान को उठा के इस तरह यहाँ पर बिठा दिया। मोहम्मद अभी उठे हैं, इन्होंने नाश्ता किया, अभी मैं इनको फ्रेश कराऊंगी। यहाँ पर ये चटनी तैयार हो रही है। यहाँ पर इस तरह देसी स्टाइल में चटनी तैयार होती है, कराची मुझे जूसर में होती है। यहाँ पर इस तरह के पत्थर होता है, ये बना हुआ होता है, और लकड़ी का दस्ता होता है, इसे कूटा जाता है। और इस चटनी जो हाथ की बनी हुई चटनी, इसका जायका अलग होता है। लाल चटनी में क्या क्या ऐड करेंगे आप? लहसुन, लाल मिर्ची, जीरा, नमक। लहसुन, लाल मिर्ची, जीरा, नमक। ये दही बड़ों की चटनी तैयार हो रही है।
चावलों के साथ की चटनी तैयार हो रही है और दही बड़ा का तो दही होगा जी। चलें जैसे चटनी तैयार होगी वो भी आपको दिखाते हैं। ओके बस देख सकते हैं यहाँ पर दही बड़ा का मसाला सारा हो चुका है रेडी। और यहाँ पर आलू इस तरह कट करके ऐड किए हैं, बारीक चॉप किए टमाटर हैं, स्लाइस में हरी मिर्च कट की गई हैं और यहाँ प्याज के स्लाइस को कट किए हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं आज अनम के हाथ के स्पेशल दही बड़े। अब से फूल गई हैं और अब इसमें ये इसको क्या बोलते हैं फुल्कियाँ, अब ये फुल्कियाँ ऐड की जा रही हैं। आज हम यहाँ के पंजाब के स्पेशल दही बड़े ट्राई करेंगे जी जी जी। चाट मसाला लाने कहाँ है वो, मैं लहसुन की चटनी बनाऊँगी ना फिर वो डालूँगी। और यहाँ पर आयशा परेशान खड़ी हुई है कि ना वो नहीं दही बड़े, हाँ चाट मसाला और दही, यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया जा रहा है और आयशा परेशान है कि चने नहीं गले, लोगों की दाल नहीं गलती, आयशा के चने नहीं गले। वो चने वाले पुलाव बना रही हैं और यहाँ पर बना रही है ना दही फुल्कियाँ। हाँ नमक ऐड कर रही हैं दही में, थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया। और इस तरह सब मिक्स किया जा रहा है और सबसे लास्ट में दही ऐड करेंगे ना जब छोले आ जाएंगे तो। ओके डन, तो चलिए जी बस हमारे मज़ेदार से दही बड़े होने वाले हैं रेडी। छोलों का वेट है जैसे छोले गल जाते हैं फिर इसमें छोले भी ऐड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स यहाँ देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से इसको क्या बोलते हैं दही चाट बोलते हैं, दही बड़े हो चुके हैं रेडी। ये पंजाब के स्पेशल दही बड़े हैं और यहाँ पर इस तरह की फुल्कियाँ मिलती हैं, इस तरह बनते हैं, कराची में अलग तरीके के होते हैं लेकिन पंजाब में पंजाब साइड पर इस तरह के मिलते हैं। चलें जी हमारे मज़ेदार से दही बड़े हो चुके हैं रेडी, अब इसको बस डिश आउट करके और ट्राई करके बताते हैं कैसे बने। जायका तो अच्छा आया है, मैंने टेस्ट किया था दही वगैरह इसका तो जायकेदार बने हुए हैं। अब इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे, फिर ये दही बड़े तो हो चुके हैं रेडी और बस अभी यहाँ पर चने पुलाव की तैयारी हो रही है और जैसे हो जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ओके बस यहाँ देख सकते हैं फाइनली चने का पुलाव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी। चलें जी चावलों को देख के मेरे मुंह में वैसे पानी आ रहा है, अब यहाँ पर लगाने वाले हम लोग दस्तरखान, जल्दी खाना खा लेते हैं। ओके गाइस फाइनली आयशा के चने गल चुके हैं और मज़ेदार सा चना पुलाव हमारा हो चुका है रेडी। ओके गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आप ओके व्यूअर्स आज का स्पेशल खाना अनम के लिए मेरी तरफ से, ये दही बड़े अनम ने बनाए हैं और ये चावल जो पुलाव बना हुआ है ये आयशा ने बनाया है और अनम बोली आज का स्पेशल खाना मेरी तरफ से। यहाँ पर अनम और आयशा की नोक झोंक चल रही है, साथ में यहाँ पर अचार रखा हुआ है, यहाँ पर दही बड़े हैं और यहाँ पर प्याज है, नींबू है, यहाँ पर चावल है और यहाँ पर हम सब लोग खा रहे हैं। चले जी हम हैं हमारे चावल है और चावल के साथ और यहाँ पर अनम बोलिए पार्टी हो रही है।